नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको मैं ई रिक्शा के आगे वाले पहिए की बैरिंग चेंज करना बताऊंगा। बैरिंग ख़राब कैसे पता चलता है कि ये बैरिंग ख़राब हो चुकी है, इसके लिए दोस्तों जब हम गाड़ी चलाते हैं तो किट 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 की आवाज़ आएगी, तो इससे मालूम पड़ जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी जो है बैरिंग जाने वाली है। और दोस्तों फिर जब हम दूसरा तरीका इसका चेक करने का क्या है, इसके पहिए को हम ऊपर उठा लेंगे। ये नीचे जो है हमने ईंट लगा दी है, तो इसकी सहायता से हमने इसको ऊपर उठा लिया। ऊपर उठाने के बाद में जब हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, हिलाएंगे, तो ये देखिए हल्का सा इसमें प्ले है, ये जो है इस तरीके से हिल रहा है, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। तो एक ये इससे पता चलता है। दूसरी चीज़, इसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें दो तीन छर्रे जो होते हैं, इसके बेयरिंग बॉल्स जिसको कहते हैं, तो वो इसमें से ये ऊपर साइड में आपको खाली दिख रहा होगा, यानी ये रास्ते में कहीं पे गिर गई है, तो ये ढीला हो गया होगा, चलते चलते बैरिंग ख़राब हो जाती है, एक दो इसके छर्रे गिर जाते हैं, तो जिससे कि ये इसमें प्ले हो जाती है, इसमें पहिए में प्ले आना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से इसको हमें बहुत इमीडिएटली, बहुत जल्दी इसको हमको चेंज करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बैरिंग को कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं प्रदीप गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रदीप बेसिक ज्ञान। चलिए दोस्तों देखिए, दोस्तों इसमें 18 नंबर लगा है और इस साइड जो है हमारा लगेगा 22 नंबर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर लगेगा। अब हमको इस पर सपोर्ट देना है और इससे जो है ताकत लगा के इसको खोलना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए इससे इसको पकड़ के रखना, जिससे कि ये घूमे ना, और इसको जो है इस तरीके से खोलेंगे हम। दोस्तों इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान देना है कि जिस तरीके से हम इसे निकाल रहे हैं, क्या क्या सामान पहले निकाल रहे हैं, क्या बाद में निकल रहा है, तो वो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है, क्योंकि लगाते समय उसका ठीक हमको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने ये यहाँ से वाशर निकाल दिए हैं और अब इस सॉफ्ट को जो है हम किसी हथौड़ी की वजह, हथौड़े के सहायता से जो है हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए ये सॉफ्ट जो है ये बाहर निकल आई है। इसमें जो जो चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि यहाँ से ये वाशर निकलेगा, तो इसको हमको ऐसे निकाल लेना है, इसको ऐसे खींचेंगे, अभी ये सॉफ्ट जो है पूरी बाहर निकलेगी। ये वाशर है, ये यहाँ से निकला है, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से लगा था सॉफ्ट में, तो ये निकला है। इसको भी हमको रखना है और यहीं पे ही लगाना है। दूसरी चीज़, इसको सॉफ्ट को जब हम निकालेंगे, यहाँ से एक पाइप निकलेगा जो कि अंदर से पोला है, यानी कि अंदर खोखला होगा वो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सॉफ्ट निकल गई है और एक ये खोखला पाइप निकला है। अब हमको क्या करना है, ये निकालना है। ये हमारा पहिया जो है निकल चुका है इस तरीके से, और ये हमको ब्रेक जो है निकालना है इसका। तो ब्रेक के लिए थोड़ा सा इसे ढीला करना पड़ेगा, ये देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से पकड़ेंगे, इसको जो है बड़े आराम से निकल आएगा। ये थोड़ा सा हिला डुला के निकालेंगे, और अगर नहीं निकलता है तो ये ब्रेक को थोड़ा सा लूज़ कर देंगे तो ये निकल आता है। ये निकल आया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये वाली बैरिंग ख़राब है, ये देखिए इसमें कुछ बैरिंग बॉल्स हैं, ये आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, यहाँ पे गैप हो गया है, इसका मतलब ये हमारा बैरिंग जो है यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, इसको हमें रिप्लेस करना होगा। इसमें एक और बैरिंग है, वो देखिए आप, ये लगी हुई है और ये बिल्कुल सही है, ये सही काम करेगी। तो ये वाली बैरिंग निकालने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों, तो इसको अब हमें क्या करना होगा, दोनों साइड से हमको बैरिंग निकालनी होगी। ये हमारी सही है, इसको निकालेंगे, इसको पहले चेक करेंगे इसमें प्ले तो नहीं है कहीं, और इसके बाद में ये जो ख़राब वाली बैरिंग है इसको निकालेंगे। तो हमको ये सही वाली बैरिंग निकालनी है, और इसके लिए हमको ख़राब वाला जो साइड है उस साइड से हमको क्या करना होगा, एक कोई मजबूत पेचकस लेना होगा,
जिसका कि ये जो एज है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और इसको हमको इस तरीके से ऐसे लगाना है और इस पर ठोकना है यहाँ से, तो इस तरीके से जो है ये देखिए दोस्तों, एक ये हमारी बेयरिंग निकल आई है और ये साथ में ये पाइप निकल आया है। और अब हमको ये दूसरी बेयरिंग निकालनी है, तो इसमें हमको ऐसे ये लगाना है और इस तरीके से ठोकेंगे तो ये दूसरी वाली भी निकल आएगी, क्योंकि ये ख़राब पहले से ही थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका इनर रिंग निकला है, पहले टूट चुकी है ये बेयरिंग, इसका आउटर रिंग इसमें फंस गया है, तो इसको भी हमें निकालना होगा। इस तरीके से हमको ये भी निकाल देना है। तो देखा दोस्तों आपने, इसकी बेयरिंग हमने कैसे निकाली। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारे पास में ये बेयरिंग का नंबर है, इसका नंबर है 6202। तो एक इसमें बेयरिंग सही निकली है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्ले नहीं है, एकदम सही काम कर रही है। और एक बेयरिंग ख़राब हो गई थी, तो ये देखिए मैं नई बेयरिंग लेके आया हूँ। और इसका नंबर ये देखिए, ये लिखा रहता है यहाँ पर, ये लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर 6202। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों साइड में एक ही नंबर की बेयरिंग लगती है, एक ही नंबर की बेयरिंग दोनों साइड लगेगी। तो हम इन दोनों को बड़े आराम से इसको लगाना है हमको, जिससे कि बेयरिंग ख़राब ना हो सके। तो देखिए, ये मैंने इस तरह से रखा है इसको, और हमको बेयरिंग ठोकने का तरीका क्या है कि हल्का हल्का इसको मारना है हमको, और इस तरीके से करके ये चारों तरफ से ऐसे ठोकना होगा। ठीक है, और अब ये हमको पाइप लगाना है इसके अंदर। और ये जो पाइप है, अभी ये साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब हम ये बेयरिंग डालेंगे, बेयरिंग डालने के बाद में ये हमारा जो है सेंटर पे आ जाएगा। तो इसमें बेयरिंग इस तरह से लगा के इसको भी हम आराम से इस तरह से ठोक देंगे। तो दोस्तों, इसमें हमको ये ध्यान देना है कि ये हमारी बेयरिंग जो है ये ज़्यादा बाहर भी ना रहे, और इतना ज़्यादा भी नहीं ठोकना है कि वो जाम हो जाए। तो ये जो खांचे इसमें दिए हुए हैं, इसके बराबर से जो है ये बेयरिंग इसकी लेवल पे आएगी, इस चीज़ का ध्यान देना है। इसी तरीके से हमको ये पीछे वाली जो है ये भी थोड़ी सी दबानी है, जिससे कि अंदर जो पाइप जो इसमें डला हुआ था वो पाइप थोड़ा सा जाम हो जाए। और ये इसलिए अंदर करना ज़रूरी है क्योंकि फिर ये हमारा जो सॉकर है उस पर ये इतना गैप चाहिए होता है, नहीं तो वो जो एक और पाइप ये वाला लगेगा तो ये पाइप जो है इसमें अंदर फिट नहीं हो पाता, अगर ये इसके लेवल की बेयरिंग होगी तो ये थोड़ा अंदर रहने चाहिए। तो अब हम इसको फिट करते हैं, और आप देखिए इसको कैसे फिट करेंगे। अब इस रॉड को या इस शाफ्ट को जो है हम इस साइड से इस तरह से लगाएंगे, और जब ये थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा दिखाई देगा तो इसमें हमको ये फिट करना है यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद में ये पहिए को हमको ऊपर उठाना है। साथ में एक चीज़ का और ध्यान देना है, ये जो खांचा इसमें बना हुआ है, इस खांचे में हमको ये इस जगह को यहाँ पे फंसाना है, जिससे कि ये जो हमारा ब्रेक है ये इस तरह से घूमेगा नहीं। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, ये हम ऐसे उठा के इसके बराबर इस तरह से कर देंगे, और किसी एक और की सहायता से थोड़ा सा इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी हमको, और इस तरह से पकड़ने के बाद में
अब हमको यहाँ पे जैसे जिस तरीके से यहाँ पे वाशर डला हुआ था तो ये वाशर को यहाँ पे लगा देंगे, ये इस तरीके से ये वाशर को थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे और इसके बाद में इसको थोड़ा सा ठोकेंगे। अब हम यहाँ से इस शाफ्ट को इस तरीके से ठोकते जाएंगे। और ये भी देखना है कि ये शाफ्ट जो है हमारी सही जा रही है या नहीं। ये देखिए अब ये सही आई है। अब इसको थोड़ा और ये यहाँ से निकल आई। अब इसके बाद में दोस्तों जिस तरीके से इसमें वाशर लगे हुए थे वो वाशर हम इसमें पहना देंगे और ये हमारा जो नट है उस नट को इसके ऊपर चढ़ा देंगे और नट चढ़ाने के बाद में और जैसे हमने पहले इसको ढीला किया था उसी तरीके से इसको टाइट भी करेंगे। अब ये देखिए ये इस साइड से घूम रहा है तो इसको पकड़ेंगे 18 नंबर के पाने से, ये हमने इस तरफ लगा दिया और इसको जो है ये इस तरीके से घुमाएंगे। और इसको भी हमको उतना ही टाइट करना है जितनी आवश्यकता हो बस। और ये हमको घुमा के देख लेना है, पहिया हमारा बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। और हमारा ये देखिए ब्रेक भी काम कर रहा है और ये एकदम फ्री है पहिया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कुछ कमेंट करें। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दें जिससे कि मेरी आने वाली और भी जो वीडियो हैं वो आपको सही समय पर मिलती रहें। और चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।